हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। 8 दिन हो गए हैं और आज का व्लॉग जो है वो मैंने शुरू किया है केक शॉप से। तो मैं केक शॉप में हूँ इसलिए क्योंकि मेरे 2 दिन के बाद मेरी गुड़िया का बर्थडे है, मायशा का बर्थडे है 1 अक्टूबर में। और अब जब मैं एडिट कर रही हूँ तो बर्थडे हो चुका है। और तो केक शॉप में आई हूँ केक ऑर्डर करने। ऑफ कोर्स, तो आज है मोइन का छुट्टी, तो फिर सोचा कि आज जितना हो पा रहा है हम कर लेते हैं काम, केक ऑर्डर कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। तो उसी के लिए हम निकले हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं केक वर्ल्ड में। और ये जो केक वर्ल्ड जो है हमारे एरिया का, मतलब नवी मुंबई का ना सबसे अच्छा केक शॉप है। और सीरियसली अच्छा है, यहाँ पे आप केक लोगे तो आपको टेस्ट इसका बहुत अच्छा मिलता है। बहुत ही रिच क्वालिटी केक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम कभी भी केक लेना है तो यहाँ से ही लेते हैं, मतलब हम कहीं नहीं जाते। इसके पहले मोंजिनिस से लेते थे, अभी द केक वर्ल्ड। तो गाइज, यहाँ पे कुछ नया है इस साल। यहाँ पे ऐसा है कि मायशा को ना जो केक है वो चाहिए कलरफुल केक, मतलब मायशा को थोड़ा सा कलर चाहिए केक में। हमेशा जो हमारा जो केक होता है ना वो हमेशा ऐसे डार्क डार्क केक होता है, क्योंकि हमको गोल फिर घुमा के जो है ना ब्लैक फॉरेस्ट और डार्क चॉकलेट वाला केक पसंद आता है। तो वो कलर होता ही नहीं, एकदम तो डार्क डार्क होता है। तो इस टाइम मायशा ने डिसाइड किया कि मुझे कलरफुल केक चाहिए। पर जैसे ही हम लोग शॉप में आए तो देख रहे हैं कि सारे जो केक है वो डार्क डार्क वाले ही है। तो मैंने पूछा ऐसे क्यों है, हमेशा तो आपके यहाँ पे इतना कलरफुल कलरफुल केक्स होते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि लोग यही पसंद करते हैं इसलिए नहीं रखते अभी। तो ये है रसगुल्ला केक। देखिए, हम बंगाली है तो रसगुल्ला केक दिख गया तो एकदम खुश हो गए। उसके ऊपर रोज के पेटल्स है, तो जितना अट्रैक्टिव जितना अलग अलग रहेगा लोग वही पसंद कर रहे हैं। तो ये मैंने कभी ट्राई करूंगी आगे जाके। तो आते हैं केक पे। तो यहाँ पे ऐसा है कि हमको बिल्कुल भी मतलब डिस्प्ले में दिखा नहीं केक जैसे चाहिए। दिमाग में है कि मायशू को ब्लूबेरी केक चाहिए इस टाइम, तो हमने सब कुछ उसी पे छोड़ दिया है कि आपको जो पसंद आए। बट यहाँ पे डिस्प्ले में दिख नहीं रहा है और ना कार्ड में समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं कल आती हूँ मायशू को लेके। उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग भी डिस्प्ले में कुछ केक लेके आके रखते हैं, हमेशा रखते हैं लेकिन इस टाइम ही नहीं था। तो मैं बोला ठीक है, आप लोग रखिए, हम लोग आती हूँ मैं गुड़िया को लेके। तो उसको जो पसंद है वो हम फिर ऑर्डर कर लेते हैं। तो फिर ऐसा हुआ और यहाँ से फिर हम निकल गए हैं। और ये वाला जो मैं केक बता रही हूँ ना, ये वाला जो है ये है रेड वेलवेट केक। ये नाम सुन के बहुत अच्छा लगता है और ये मैंने एक बार ऑर्डर किया था मोइन के बर्थडे पे और ये केक हमने खाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर खाना हुआ ही नहीं। फिर गाइज, अब हम वहाँ से निकल गए हैं और केक तो ऑर्डर हुआ नहीं, वो कल होगा। और अभी हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ, देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या शॉपिंग आज हो पा रहा है, क्या लिया हमने, तो सब आप लोग चलिए हमारे साथ। और यहाँ पे जो है एक छोटा सा फिर से इंट्रोडक्शन हो जाए। तो यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे मोइन है, मेरा नाम टीना है और मेरे हस्बैंड का नाम मोइन है। और ये है हमारे बच्चे, ये है कियान, ये है मायशा और यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी होगा 2 दिन के बाद, वो भी छोटा सा बच्चा पार्टी। तो चलिए आप लोग हमारे साथ। तो दोस्तों, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पेट पूजा के लिए हम आ गए हैं फेमस के दम बिरयानी और कबाब कॉर्नर पे। तो गाइज, अभी भी हम नेरूल और सीवुड में होते हैं तो अगर भूख लगता है तो यही हमारा फेवरेट जगह है। आ गया हमारा चिकन दम बिरयानी और यही हम ज़्यादा करके यहाँ पे आते हैं तो खाते हैं। बहुत ही फेमस जगह है ये, कभी आप नहीं आए तो ज़रूर आके खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा यहाँ पे। और मोइन भी, मतलब एक्चुअली मोइन का सबसे फेवरेट जगह है जब भी, और उनको सारा बिरयानी का सारा जो है ना, बिकॉज ही इज़ अ बिरयानी लवर, तो जहाँ पे भी फेमस बिरयानी कुछ कबाब ऐसे मिलता है ना तो ऑटोमेटिकली वो जगह पता होता है। तो खाना वाना खा के हम निकल गए वहाँ से। और जब हम आ रहे थे तो हमको मतलब आसमान थोड़ा सा था एक कि आएगा बारिश आएगा, तो हल्का फुल्का बारिश शुरू हो गया। तो गाइस, वहाँ से अभी हम निकल गए हैं और आ गए हैं सीवुड के ग्रैंड सेंट्रल मॉल। तो जी हाँ, यहाँ से ही हम लोग लेने वाले हैं हमारा जो भी शॉपिंग करना है। गाइस, देखते हैं कि आज वो हमारा शॉपिंग होगा या नहीं, या फिर केक के जैसे कल ही होगा। तो चलिए आप लोग हमारे साथ।
तो दोस्तों हम मॉल के अंदर एंटर कर चुके हैं और आपने देखा पार्किंग पूरा फुल था, तो सब पब्लिक कहाँ रहती है ज्यादा करके मॉल पे, फूड कोर्ट। तो सब जो हमेशा फूड कोर्ट जो होता है ना वो कचाकच भरा होता है, स्पेशली छुट्टी के दिन तो पूछो ही मत। तो गाइज यहाँ पे ये वाला जो प्लांट था ना ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, एक एक रिंग लगा दिया है और उसने वो शेप ले लिया था। और अभी मुझे प्लांट्स जो है, प्लांट्स मुझे तो बहुत पहले से पसंद है, मुझे नेचर बहुत पसंद है। शहर में रहती हूँ लेकिन मैं नेचर से जुड़ी हुई हूँ, मुझे बहुत पसंद है विलेज लाइफ। तो ये वाला जो पेड़ है ना ये मैंने घर में लिया था, इसको जेट प्लांट बोलते हैं और बहुत बुरा हुआ उसके साथ, कभी दूसरे दिन बताऊंगी। और बहुत सारे प्लांट्स मैं देख रही हूँ, ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं, इसमें देखिए कोई सनलाइट नहीं कुछ भी ज़्यादा, ना पानी देने का टेंशन है। तो रियल प्लांट्स से आ गए आर्टिफिशियल प्लांट पे, क्योंकि हम एंटर हो चुके हैं अभी DIY में। तो सबसे पहले मैं आ गई DIY में, क्योंकि DIY में सारे चीज़ें मिलते हैं ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले मोइन रुक गए यहाँ पे, यहाँ पे तो हम परेशान हो गए ये ले लेके, वो है कार में जो मोबाइल होल्डर्स होते हैं ना, मोबाइल या कैमरा होल्डर्स, तो हम बहुत परेशान हो गए। ये शायद हमारा पाँचवा या छठवा होगा हम ले रहे हैं, इसके पहले जो भी लिया हमने DIY से भी लिया था तो वो नहीं हो पाया। एक्चुअली सबसे पहले शेक करता है फिर टूट जाता है वो थोड़ा टाइम के बाद। और ये देखिए कितना प्रिटी लग रहा है ना, ये क्यूट सा, ये मैंने माईशा को बुला के बता दिया, देख लाडो कितना प्यारा लग रहा है, ये क्यूट सा अमरेला एकदम। और मुझे सारे ना क्यूट क्यूट चीजें ऐसे ना बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो यूज हो या ना हो लेके रख देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी को आप कुछ नोटिस कर रहे हो सब, उसके हाथ में कौन सा कलर आ रहा है, पिंक। उसको सब चीज जो है ना पिंक कलर, पिंक 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 उसको बहुत पसंद है। एंड आई होप सारे जो गर्ल्स हैं वो क्यूटी गर्ल्स जो होती है, प्रिंसेस जो होती है, सबको पिंक पसंद आता है। और यहाँ पे मैंने कुछ बैग्स मुझे पसंद आया माइशू के लिए, तो वो भी मैं देख रही हूँ। पर गाइज पता घर पर जगह नहीं है रखने के लिए, ले तो लूँ पर बिल्कुल जगह नहीं है मेरे घर पे। कभी एक दिन मैं घर का टूर भी बताऊंगी, सबसे बड़ा टास्क होगा वो मेरे लिए। और गाइज यहाँ पे ये चीज मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये चीज हम जब भी आते देखते ये हम लेंगे, बट शायद 1 से 1.5 महीने के बाद, क्योंकि हमारा कुछ प्लान्स है। तो ये कार का है, तो यहाँ पे जो है ना ग्रे कलर का जो है वो इतना सॉफ्ट मटेरियल है ना कि आप हाथ लगा आपका हाथ हटा नहीं पाओगे अपना, ये इतना सॉफ्ट मटेरियल है, इतना सॉफ्ट। और इससे भी एक, इससे भी सिल्की और इससे भी एकदम सॉफ्ट जो है डीमार्ट में मैंने देखा था, पर वो डोरमैट था, मतलब बहुत ही वो छोटा सा था। तो ये कार का पूरा सीना है, तो ये जब हम लेंगे जरूर आप लोग को बताएंगे। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया कि ये हमको अच्छा लगा। और ये कलर थोड़ा सा और एक डार्क होता था ना ग्रे में, मतलब डार्क ग्रे, तो और अच्छा लगता था, ये थोड़ा ब्लूइश में हो गया है। तो ऐसा कुछ प्लान है, तो जो लेने आए हैं उसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्या आप लोग भी थोड़ा सा इधर उधर की चीजें देख लेते हो? तो ये हम ले रहे हैं कार के लिए फ्रेशनर। तो सबसे पहले हमने कार लिया था तो उसमें हमने एम्बिप्योर का डाला था, वो बहुत टाइम चला और बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस था उसका। और हमने DIY से इससे पहले सारे फ्रेग्रेंस लिए थे बट तो वो ओके था। और अभी मैं जा रही हूँ बिलिंग के लिए। तो दोस्तों बिलिंग होने के बाद जाते जाते मैंने सोचा कि आपको कुछ और कलेक्शंस दिखा दूं जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत मन है कि ये सब मैं अपने घर में रखूं। पर गाइस उसके लिए वैसा घर भी होना चाहिए, मतलब एकदम हाइट पे जहाँ पे धूल मिट्टी ना हो, और मेरे घर पे बहुत धूल मिट्टी आता है। और नॉर्मल चीज़ें भी जो है ना इसलिए मुझे सब डार्क डार्क लेना पड़ता है ताकि ज़्यादा खराब ना दिखे। तो यहाँ पे ऐसा है, देखिए हस्बैंड को दर्द हो रहा था, वो थोड़ा मतलब थक गए। और जिनको नहीं पता है बता दो, उनका स्पाइन सर्जरी हुआ था पिछले साल, जिसके लिए भी मतलब जिसके लिए ही कार लेना हुआ उसके, क्योंकि वो ट्रैवल जो है बाइक में नहीं कर सकते थे। तो सब कुछ हुआ बहुत ही कम टाइम में, फिर
मैंने बोला ठीक है, यहाँ से हम लोग घर चले जाते हैं, आप आराम करो, क्योंकि ज्यादा एग्जॉस्ट होना अच्छी बात नहीं होता है ना, एक साथ इतना प्रेशर चलना, फिर इतना टाइम तक मॉल में चलना। तो बोला कि नहीं नहीं चलो आज मैं, क्योंकि फिर बाद में छुट्टी नहीं मिलेगा, तो मायशा का आज वो कपड़ा ले ही लेते हैं, बहुत जरूरी है। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो फिर हम आ गए हैं ट्रेंस पे, तो ट्रेंस पे जो है हम मायशा के लिए कपड़ा देख रहे हैं। तो आप लोग देखे कि हम मायशा के लिए कौन सा कपड़ा सिलेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब अभी क्यान का चेहरा ध्यान से देखो, देखो कैसा मुंह बना रहा है वो, और मुझे इतना हंसने को आ रहा था। आप लोग को हंसने को आ रहा है कि नहीं, मुझे बताइए कैसा मुंह कर रहा है। और बच्चे ना हमेशा मतलब एक जैसे बिहेव नहीं करते उन लोग, जैसे कुछ साल पहले वो अलग था, अभी वो ऐसा चेहरा कर रहा है, ऐसा मस्ती कर रहा है। कभी कभी तो इतना मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ ना, और कभी कभी बहुत दुखी होती हूँ या डिप्रेस, या कभी बहुत अच्छा नहीं लगता ना। तो यही जो मस्ती है ना, हमको मतलब खुशी लाता है और सब दुख को भुला देता है। तो बच्चों का ऐसे ही होता है। और यहाँ पे देखिए कितना क्यूट क्यूट फ्रॉक से बेबीज के लिए, और मुझे वही लग रहा है कि वही मेरी क्यूट सी प्यारी सी छोटू सा मायशा को ये सब क्यूट क्यूट फ्रॉक पहनाऊं। और यहाँ पे जो है ना दोस्तों, ये साल जो है ना, मैंने मायशा को बोला है, मायशा आप ऐसे कपड़े लो कि आप बाद में भी पहन पाओ। तो हमेशा ऐसा होता है ना कि बर्थडे के दिन ना हम ऐसे हमेशा एक गाउन मायशा के लेते थे, फ्रॉक जैसे ऐसे बड़ा सा ऐसे गाउन। तो वो जो है ना वो बर्थडे के दिन ही पहनती थी, और उसके बाद फिर वो पहनना होता नहीं था, क्योंकि वो बहुत हैवी होता है और उतना कैरी नहीं कर पाते। तो और गाउन आप लोग को पता है मतलब बहुत हैवी भी होता है और महंगे भी होते हैं। तो उसके वो एक बार पहने, ऐसे कितने सारे कपड़े जो वो गाउन जो वो एक बार या दो बार मैक्स मैक्स, और फिर उसको टाइट हो जाता है, वो नेक्स्ट ईयर मतलब पहन ही नहीं पाते। तो कितने बार ऐसे हुआ कि वो फ्रॉक्स जो है ना वो यूज में आते ही नहीं है, नेक्स्ट टाइम पहन ही नहीं पाते और टाइट होते, फिर वो ऐसे ही देना पड़ता है। तो फिर हमने इस टाइम मतलब डिसाइड किया कि हम ऐसा कपड़ा ले मतलब वो पहन पाए बाद में भी। तो हमने फिर ये वाला जो आप शर्ट देख रहे हो ना, ये वाला सिलेक्ट किया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मोइन को भी अच्छा लगा। और ऐसे बहुत सारे और भी थे, और मैं ऐसे बच्चे लोग के जैसे खेल रही हूँ, वो जो क्या करते वो चमकी वाला जो जिसको क्या बोलते उसका आई डोंट नो। तो यहाँ पे बच्चे लोग की तरह मैं भी देख रही थी। और ये टी शर्ट जो है ज्यादा मोटा नहीं, क्योंकि मुंबई में बहुत गर्मी होता है, तो ज्यादा मोटा नहीं लेना है टी शर्ट। और यहाँ पे जो है क्यान ब्लॉगिंग कर रहा है, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ, और मैं क्या बोलूँ, मुझे भी कमर का प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा बैठ गई हूँ, थक गई हूँ। तो यहाँ पे क्यान जो है ब्लॉगिंग कर रहा है मेरी जगह पे, और यहाँ पे क्यान बता रहा है देखो यहाँ पे मैं बैठी हूँ। और यहाँ पे ना बैग ना अभी मैं घर से लेके आती हूँ, क्योंकि बैग जो है लेना पड़ता है, और वो पेपर बैग जो होता है वो काम का नहीं रहता बाद में। तो मैं ऐसे जो है घर से, और मेरा आदत है मैं हमेशा पर्स में कैरी करती हूँ, और ये लोअर ले रहे हैं मायशा के लिए उसके बाद पहनने के लिए। Thank you.
दोस्तों आज जो भी जितना ले पाए वो यही था, और भी कुछ चीजें लेने हैं सबसे इम्पोर्टेंट, तो केक है और डेकोरेशन का सामान और भी कुछ, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, ज़रूर देखिएगा। और ये अभी हम जा रहे हैं, तो जाते वक्त हम ऑफकोर्स यहाँ से नीचे जाएंगे, तो मैं वो इनको मुझे ऐसा अचानक से क्लिक आ रहा है, ये तो एकदम ट्रेडमिल जैसा है, मतलब उल्टा रहो तो एकदम ये ट्रेडमिल जैसा वर्क करता है, तो मोइन वही उल्टा चल के देख रहे हैं कि हाँ ये एकदम ट्रेडमिल जैसे वर्क कर रहा है। और बच्चे लोग तो मस्ती करते रहते हैं, उनको तो अभी आप देखना जाते जाते क्या डांट भी खा लिया मेरे से, मतलब इतना मस्ती कर रहा है कि जाते जाते मैंने उसको डांट भी दिया, देखो देखो ए लो डांटी भी खा चुका है तो ऐसे ही करता है। और अभी देखो उसको ये हो गया उसका, अभी देखो वहां से उसको स्लिप देखना, अभी वहां से देखो 1 2 3 ये। तो गाइज आपके भी घर में ऐसे नोटी नोटी बेबीज है, उनका मस्ती कैसा होता है जरा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। यार मेरी ये गुड़िया नाश्ते खेलते पापा के साथ जाते रहती है। तो हो गया हमारा आज का, कैसा लगा आपको ये हमारा व्लॉग कमेंट्स करके बताइए। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक चीज़ है जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, जो हमको अच्छा लगा, विच इज़ वॉल ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें आपको आपका जो भी चीज़ यूज में नहीं है, चाहे वो फुटवेयर हो, आपके कपड़े हो, इलेक्ट्रॉनिक बच्चों के खेलने को जो भी सामान है वो आप यहाँ पे आके दे दो। आपको अगर कुछ चाहिए यहाँ से ले लो, या आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे डाल के जाओ। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है और ये सब जगह ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। और चलते हैं अभी कार की तरफ, और यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो जो कार के शौकीन हैं उनको अच्छा लगेगा देख के, विच इज़ BMW कार। तो गाइज ये कौन सा मॉडल ये सब तो नहीं पता, बट BMW और कुछ लग्जरी कार्स है, विच इज़ जेगुआर, मर्सिडीज। तो जिनको कार का शौकीन है, थोड़ा सा मैंने बता दिया, वहाँ पे था खड़ा और आ रहे हैं मेरे BMW पे, क्योंकि ऊपर वाले ने जितना मुझे दिया है मैं बहुत खुश हूँ। और ये कार तो हमारे लिए बहुत, मतलब जब हमको जब बोलते ना इंसान को जब ज़रूरत होता है, जब वो दुखी होता है, तो उस वक्त इसने हमको सहारा दिया है, तो हमारे लिए ये बहुत बहुत प्यारा। और ये हमको कहाँ कहाँ लेके जाता है, हम कहाँ कहाँ घूम के आए यहाँ पे। तो गाइज वहाँ से मॉल से भी हम निकल गए हैं, कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग मुझे कमेंट्स करके बताइए आप लोग प्लीज़। मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए जो भी है, आप मुझे बताइए। और यही वो मॉल था जहाँ पे हम गए थे, सीवुड का ग्रैंड सेंट्रल मॉल, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल, आई थिंक वन ऑफ द नहीं, दिस इज़ द बिगेस्ट मॉल इन द नवी मुंबई में, यही सबसे बड़ा मॉल है सीवुड ग्रैंड सेंट्रल मॉल। और गाइस जस्ट इमेजिन, इनके बाजू में इतना बड़ा सोसाइटी है, कितना बड़ा। और यहाँ पे लोग पहले मतलब ये खाली था, बन रहा था, और अभी देखिए पूरे सब जन रहने आ गए यहाँ पे। तो चलिए मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।